गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सत्या यादव, सेंट्रल पब्लिक एकेडमी आजमगढ़। एज यू ऑल नो इज वेरी क्रिटिकल ड्यू टू कोरोना वायरस, सो यू हैव टू स्टडी एट योर होम्स एंड बाय ऑनलाइन क्लासेस। एज यू ऑल नो दैट आई हैव एंडेड माय लेक्चर विद ऑरेंज जेम, यू नो, यस, द ऑरेंज जेम, the son of Shahjahan. So let's start the lecture with the last Mughal emperor Bahadur Shah Zafar. His period is 1858 to 1868 AD. He is nominated as the last Mughal emperor of Mughal emperor called Bahadur Shah Zafar. Bahadur Shah Zafar ko Mughal shasak kal ka sabse matlab शासक के तौर पे उसको जाना जाता है, जिसे बाद में ब्रिटिशर्स के द्वारा 1858 में उसे क्या किया गया था, अपने सह मतलब कि जितना उसका पूरा अलायंस था उन सब के साथ उसको वहाँ से हटा करके रंगून की तरफ भेज दिया गया था, और वहीं 1862 में वो आखिर में वहाँ पे उसकी डेथ हो गई थी। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वहाँ पे पार्सियन और जो इंडियन जो स्टाइल था वो दोनों का ही वहाँ पे मिक्सचर देखने को मिलता था। मतलब मुगल धर्म के जो रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता था, तो कुछ को यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से, लगभग 200 सालों से जो वो राज कर रहे थे, तो कुछ इंडियन जो चीज़ें थी उसको भी इन्होंने अडेप्ट किया के अंदर उसको डाला। एंड गाइज, इसके बाद इन्होंने यहाँ पे क्या किया, बेशक इन दोनों ही चीज़ों को डालने के बाद भी जो पूरा का पूरा ऑल ओवर जो कंट्रोल था, जहाँ सेंट्रलाइज्ड किया गया जहाँ पे पावर को, वो अभी भी यहाँ पे किंग के हाथ नहीं था, आप जानते हैं ना। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब सारी की सारी पावर यहाँ पे किंग के हाथ में होती है, तो मतलब क्या रहता है कि बेशक उसके बहुत सारे मतलब अंग होंगे, मंत्रीवर होंगे जो क्या करेंगे, उसके सारे कार्यभार को संभालेंगे, लेकिन कोई भी अगर बड़ा निर्णय लेना है तो उसके ऊपर वो निर्णय वहाँ पे कौन लेगा, जब तक वहाँ पे किंग उस चीज़ को कंसिडर नहीं करेंगे, उसने उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी निर्णय वहाँ पर नहीं लिया जा सकता है। यहाँ तक कि जो किंग थे उसे उस दौरान जो है एज अ गॉड की संज्ञा दे दी गई थी, वहाँ पे भगवान के समान उसको जाना जाने लगा था कि अगर किंग ने ये बात कह दिया तो इट मस्ट बी द वॉइस ऑफ गॉड, तो यू हैव टू फॉलो दिस, कि उन्हें भगवान का आदेश मान के उस चीज़ को वहाँ पे क्या करना था, फॉलो करना था। तो यहाँ पे जैसे बोला गया है कि जैसे जो किंग था, हाँ उसके पास पूरी सुप्रीम पावर थी कि वो अपनी आर्मी को वहाँ पे मेंटेन कर सके, इसके साथ साथ जितने ऑफिसर्स थे उसको मेंटेन करें, इसके अलावा भी वो कुछ जैसे स्पेशल जो केयर करते थे किसके, अपने कॉमन पीपल्स के लिए, जो वहाँ के जो कॉमन लोग थे उनके लिए, इसके लिए इन्होंने यहाँ पर दीवाने आम या फिर दीवाने खास जैसी व्यवस्था कराई गई थी। यहाँ पर जैसे दीवाने खास एक ऐसी जगह थी जहाँ पर वो अपने गेस्ट को क्या करते थे, वेलकम करते थे, द ऑफिसर हु हेल्प्ड हिम इन द एडमिनिस्ट्रेशन, और जो लोग क्या करते थे उसके पूरे कार्यभार को संभालने के लिए मतलब कि जो उसके मंत्रीगण थे वो उन लोगों को वहाँ पे आमंत्रण किया था। इसके मतलब कि जो मुगल एम्पायर में शासनकाल में सबसे जो एक मुख्य भूमिका निभाई वो यहाँ पे कौन थे, वजीर और वकील। ये कौन होते थे, द प्राइम मिनिस्टर हु लुक्ड आफ्टर द इनकम एंड अदर फाइनेंशियल इशू। इनका काम क्या रहता था कि मुगल काल के दौरान जितना भी क्या कहाँ पे धन खर्च किया जा रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कितना उन्होंने रेवेन्यू से कितना कलेक्ट किया है, ये जैसे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जो फाइनेंशियल जो इश्यूज थे, आर्थिक तौर पे कहा जाए कि जो आर्थिक जो पूरा था अर्थ, वो देखना किसका काम था, यहाँ पे वजीर और वकील का था। नेक्स्ट इसमें आते हैं मीर बख्श, लुक्ड आफ्टर द आर्मी एंड द मिलिट्री रिक्वायरमेंट। इनका काम क्या रहता था, ये मिलिट्री के अंदर कितने जो पूरा उसका देखभाल करना था, उसका कितना खर्च आएगा, उस सब की देखभाल करना था। इसके साथ साथ नए नए जो जिनको वहाँ पे भर्ती करना था मिलिट्री में, ये सब कार्यभार यहाँ पे किसका था, मीर बख्श का था। अनादर इसमें आते हैं चीफ सदर्स और द चीफ काजी। इनका मुख्य काम क्या था कि जितना भी जो चैरिटी वाला जो फंक्शंस था, रिलीजियस जो अफेयर्स थे, एजुकेशनल अफेयर्स थे, इन सबको यहाँ पे देखना था। और यहाँ के साथ साथ इनका एक और काम था कि पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर भी जो वो काम उनको सौंपा गया है, वो कार्य उसी रूप में हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो भी देखने का काम यहाँ पे किसका था, चीफ सदर और चीफ क्वाजी का। देन इसमें आते हैं दरोगाए
डक चौकी, यहाँ पे क्या था कि टुक केयर ऑफ द पोस्ट, कि जिस अपनी पोस्ट से रिलेटेड जो कार्यभार उनको सौंपा जाता था उस कार्य को यहाँ पे पूर्ण करने की जिम्मेदारी यहाँ पे इन लोगों की थी। इसमें बेटा लास्ट आते हैं दीवाने तन लुक्ड आफ्टर द मैटर रिलेटिंग टू जागीर। जब भी जागीर से मतलब जो उनका आप जानते हैं कि जो मुगल काल के दौरान उनका साम्राज्य था वो काफ़ी बड़ा था, इन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए मुगल्स ने बहुत सारे मतलब कि तरीकों को अपनाया, लाइक उन्होंने पॉलिसी के द्वारा उन्होंने किया कि पॉलिटिकल पॉलिसी के द्वारा पॉलिटिकली तौर पे बातचीत करके उन राज्यों को अपने अंडर लिया, या फिर वॉर्स के द्वारा युद्ध करके कुछ राज्यों को अपने अंदर लिया, या फिर वैवाहिक संबंधों के द्वारा भी बहुत सारे राज्यों को उन्होंने क्या किया अपने अंडर अपने अधीन लिया। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि इनका क्या मुख्य काम था कि उन जागीर जो भी इनकी इनकी प्रॉपर्टीज़ थी उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई मुख्य बात होती थी या बहुत ही ज़्यादा बड़ा इशू होता था तो उस पूरे इशू के देखने का काम यहाँ पर किसका रहता था, दीवाने तन का रहता था। और ऑलमोस्ट अगर हम देखते हैं कि जो पूरा का पूरा जो मुगल काल था वो अलग अलग छोटे छोटे क्या किया क्या गया और उन प्रोविजंस के देखभाल करने का जिम्मा किसका रहता था, सूबेदार का रहता था। ठीक है, ये मेंटेन करते थे किस चीज़ को, लॉ एंड ऑर्डर को, ताकि और यहाँ तक कि टू हेल्प द रिवेन्यू न्यू ऑफिसर इन द स्मूथ कलेक्शन ऑफ द रिवेन्यू। और इसके साथ साथ वो क्या करते थे कि रिवेन्यू कलेक्शन के अंदर भी वो अपना एक पार्टिसिपेशन देते थे, वो इतना मतलब कि उस चीज़ को सहज बनाते थे ताकि वो रिवेन्यू का जो कलेक्शन वो बहुत ही आसानी से वहाँ पर किया जा सके। इसके साथ साथ उसके प्रोविजंस में और भी बहुत सारी चीज़ें आती थी, जैसे सरकार्स और फौजदार। सरकार्स आर डिवाइडेड इनटू द परगनाज अंडर द हेडमैन कॉल्ड दम द मक्यूदम, कि इसके अंदर यहाँ पे क्या था कि जो सरकार और फौजदारी जैसे भी इसके अलग अलग डिपार्टमेंट थे, जो सरकार थी वो यहाँ पे मक्यूदम के अंतर्गत जो कि विलेज का हेडमैन होता था उसके अंतर्गत वो काम करते थे। देन इसके साथ साथ जो पटवारी होते थे वो रिवेन्यू कलेक्शन का काम करते थे। कोतवाल होते थे जो चीफ पुलिस ऑफिसर होता था और पूरा जो पुलिस डिपार्टमेंट का जितना भी जो मेंटेनेंस का वर्क रहता था तथा जो कार्य उनको सौंपा जाता था उस सब के ऊपर जो क्या करते थे अपनी नज़र रखते थे। जो जुडिशरी वॉज नॉट वेल ऑर्गेनाइज, देयर वॉज नो सिंगल लॉ फॉर द पीपल, द स्केयर्स लॉ एडमिनिस्ट्रेशन बाय काजी, देयर वॉज नो ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या है कि जुडिशरी यानी जो न्यायालय का जो पूरा कार्यभार था वो पूरी तरीके से मुगल शासनकाल में वेल ऑर्गेनाइज नहीं था। वो क्या था कि देयर वॉज नो सिंगल लॉ फॉर ऑल द पीपल, यहाँ पे कोई भी एक ऐसा लॉ या कानून नहीं बनाया गया जो सभी लोगों के ऊपर क्या कर सके समान रूप से वहाँ पे लागू किया जा सके। इसमें क्या होना था कि जो द सेक्रेड लॉ, यहाँ पे कुछ अलग तरीके के जो लॉज बनाए गए थे काजी के द्वारा थे और ये क्या करते थे, देयर वॉज नो ऑर्गेनाइजेशन और न्यायालय के लिए यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। आज के लिए बस इतना ही, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव सेड। सो गाइज वी मीट अगेन इन अवर नेक्स्ट लेक्चर एंड आई विल बी गोइंग टू स्टार्ट दिस लेक्चर विद मनसूबदारी सिस्टम। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, थैंक यू, हैव अ गुड डे।